आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप समोसे खाना छोड़ देंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले 1 कप आटा लेंगे। 1 कप मैदा डाला है मैंने, और ये आधा चम्मच कलौंजी और ये आधा चम्मच अजवाइन को इस तरह से मैश कर डाल देंगे। इस तरह से डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। साथ में इससे मैं 2 चम्मच तेल डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, जब ये इस तरह से मुट्ठी बंद होने लग जाए, तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा कड़ा आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, जैसा कि आप आलू के पराठे के लिए लगाते हैं या फिर कचौड़ी के लिए लगाते हैं, हमें उसी तरह का आटा लगाकर तैयार करना है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से आटा लगा लें, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए 2 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डाल देंगे, ये हरी मिर्ची और ये धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी मैंने आधा चम्मच डाला है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू डालकर अच्छे से भून लें। मसाले को आप जितना भूनेंगे उतना ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा। इसके लिए आलू को आप थोड़ा भून लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे। आइए, मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिया है, करीब आधा कप है। अब सारे चीज़ों को कम से कम हमें 2 मिनट के लिए भुनना है। ये मसाला बनकर तैयार हो गया, ये कुछ इस तरह का है। अब हम आटा को देख लेते हैं। आटा को थोड़ा मिला लेंगे, आटा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं अपने नाश्ते को, उतना बड़ा एक लोई निकाल लें। मैंने इतना बड़ा ही रखा है इस तरह का। इसमें अच्छे से मसाला को कवर कर लेंगे, इसे अच्छे से बंद करें। हमें इसे तलना नहीं है, पहले हम इसे स्टीम कुक करेंगे। तो आप इसको अच्छे से बंद करिए, नहीं तो ये पानी में जाते ही खुल जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैंने पानी को पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें सारे नाश्ते को डाल देंगे। इस तरह से डायरेक्ट पानी में ही हमें उबालना है इसे। तो करीब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। जब ये उबल जाता है, पक जाता है ये, तो ऊपर तैरने लगता है इस तरह से। आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं कि ये पका हुआ है या नहीं। जब ये पक जाता है तो ये ऊपर तैरने लगता है, यही इसकी पहचान है। तो हम सारे नाश्ते को इसमें निकाल लेंगे इस तरह से, और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इस नाश्ते को इस तरह से मैंने सुनहरा होने तक सेकना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैंने थोड़े से ही तेल में इस नाश्ते को बनाया है। तो आप भी ज़रूर इस नाश्ते को ट्राई करिएगा और बनाइएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको यह नाश्ता कैसा लगा। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसे, जब ये उबालते हैं, आपको उस तरह से खाना है तो आप ऐसे ही उबला हुआ खा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने इस तरह से इसे परोसा है। मैंने इसमें चटनी रखा है, टमाटर की चटनी है, और ये मैंने दही के रायते के साथ परोसा है। आप अपने अनुसार, आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप खा सकते हैं। इसमें आलू की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगेगी साथ में बनाएंगे तो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।